इतने आंसू सजो कर रखे हैं रुमाल में, छटक दूं तो शहर में बारिश हो जाए। वैसे अक्षरा, आपकी आंखों में हमें आंसू बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। अभिमन्यु, समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हम तो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रहे सिर्फ और सिर्फ प्यार, और अक्षरा के चेहरे पर रहे सिर्फ खूबसूरत सी मुस्कुराहट। खतरे में अभिमन्यु की जान, अक्षरा की कोशिश, घर वाले परेशान। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है नया ट्विस्ट, जहां अभिमन्यु बेहोश है और अक्षरा उसे जगाने की कोशिश कर रही है। असल में आग वाले ट्विस्ट के बाद अक्षरा को बचाते हुए अभिमन्यु भी घायल हो गया था। ऐसे में अक्षरा तो ठीक है, लेकिन अभिमन्यु का हाल बेहाल है, वो होश में नहीं है। अक्षरा स्टेबल है पर पूरी तरह से ठीक नहीं। अभी नॉट दैट गुड। अभी यू डोंट नो प्लीज। डॉक्टर अभिमन्यु बिरला तुम्हारी परमानेंट पेशेंट आई है तुमसे मिलने। प्लीज उठो, तुम्हारे हस्बैंड के लिए उठो प्लीज। अभी उठो ना प्लीज। अभी डॉक्टर अभिमन्यु बिरला उठो ना, देखो तुम्हारी परमानेंट पेशेंट आई है तुमसे मिलने। अभी प्लीज उठो ना, देखो प्लीज मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा नाम अभी है ना, उठो अभी के अभी उठो। देखो तुम मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हो ना, प्लीज मत करो। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसा देख के। प्लीज उठ जाओ ना प्लीज। इतना शांत बैठने वालों में से तो तुम हो नहीं है ना, तो फिर नाटक क्यों कर रहे हो तुम? उठो ना, देखो देखो सब बार तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है ना, प्लीज ऐसा मत करो, उनके लिए उठ जाओ प्लीज। तुम नाराज हो, तुम गुस्सा हो तो फिर लड़ लो ना मुझसे, डांटो। अक्षरा पूरी कोशिश कर रही है और ऐसे में उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, और फाइनली अक्षरा की कोशिशें रंग लाई और अभिमन्यु को होश आ गया, जिसके बाद सभी घर वाले काफी खुश हैं। और देखे तो कैसे बड़ी धूमधाम से अक्षरा और अभिमन्यु का घर में गृह प्रवेश हो रहा है। मंजरी जी, अब तो इन दोनों की पहली तीज भी आ रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें तो तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। मुझे ना कल दोनों का गृह प्रवेश अच्छे से करना है। अभिमन्यु को देखकर लग रहा है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, कोई ना कोई ट्विस्ट तो है ही। तो अब देखना होगा कि आखिरकार ये ट्विस्ट क्या है, जिसके बाद कहानी में आते हैं बदलाव। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।